हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको याद होगा, लास्ट वाले एपिसोड में हमने सीखा था कि कैसे क्रिएट करें कमेंट्स। कमेंट्स क्रिएट करने के लिए मैंने आपको लास्ट वाले ट्यूटोरियल में सब कुछ बताया था। तो अब इस ट्यूटोरियल में हम लोग जानेंगे कि कैसे क्रिएट करें डिव आईडीज और क्लासेस। आप पहले सोच रहे होंगे कि ये डिव आईडीज और क्लासेस होती क्या है। तो डिव आईडी एक पर्टिकुलर आईडी होती है। आईडी मीन्स जैसे आपका बस कार्ड हो गया, आपका स्कूल कार्ड हो गया, आधार कार्ड, लाइक वैसे ही HTML और CSS में एक आईडी होती है। एक आईडी एक ही बार में यूज़ हो सकती है। और एक क्लास, क्लास एक टाइप पर्टिकुलर चीज़ होती है जिससे आप एक पर्टिकुलर कंटेंट को या स्पेसिफाई करते हैं अपने कंटेंट को HTML के अंदर कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ करनी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोगों ने सीखा था, जब स्टाइलिंग हम लोग सीख रहे थे इंट्रोडक्शन टू CSS वाली वीडियो में, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा CSS वाले में, जिसमें आपको क्लास के बारे में पता था कि आपको याद होगा हमने वहाँ पर एक डिव क्लास बनाई थी कंटेनर नाम से। और कंटेनर नाम की जो क्लास थी, हमने उसे स्टाइल शीट में हमने उसको यहाँ पे ये दिया था। अब अगर हम चाहते हैं तो हम इसको एक आईडी भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा जो वेबसाइट्स बनती हैं, जब हम लोग कोई वेबसाइट बनाते हैं अपनी, तो वेबसाइट बनाते समय हम लोग कई जगहों पर यूज़ करते हैं अपनी चीज़ों का। जो हमारा बॉर्डर होता है या नैव बार होता है या नेविगेशन बार होता है, वहाँ पे कई सारी लिंक होती हैं जहाँ से हम लोग किसी कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो उसको एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना होता है? अगर हमें उस चीज़ को एक्सेस करना होता है तो हम लोग जाते हैं उस पर क्लिक करने के लिए। पर हम लोग जब वहाँ पर क्लिक करते हैं तो हम लोग उसमें एक HREF देते हैं जो नई लिंक पर जाता है। मैं अभी आपको HREF और उन सब बातों के बारे में भी बताऊँगा आगे इस एपिसोड में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक क्लास ली। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बॉडी से पहले एक सेक्शन क्रिएट कर देता हूँ, आप लीजिए एक सेक्शन, मैंने एक सेक्शन क्रिएट किया। अब इसमें अगर मैं लेता हूँ एक डिव, जैसे ही मैंने डिव लिया, डिवीजन का मतलब होता है, डिव का मतलब डिवीजन होता है, मैंने डिव ले लिया। अब अगर मैं इसमें डाल दूँ होम, ठीक है, होम डाल दिया मैंने, एक होम डाल दी मैंने। होम के बाद मैं डाल देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं होम पे डाल सकता हूँ मैम आपका साइन इन। फिर उसके बाद मैं डाल सकता हूँ गैलरी। फॉर एग्जांपल, अगर वैसे मैं ये तीन डालता हूँ और अगर सेव करके ट्राई करता हूँ, और जब नया ट्राई करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये तीनों चीज़ें आ गई यहाँ पे। पर अभी इन पे कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि हमने इनको बताया ही नहीं कि हमें क्या करना है ना। तो जब नैप बार आप क्रिएट करते हैं, तब डिव आईडीज, और जब आप जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, मैं जावास्क्रिप्ट के बारे में भी आपको बताऊंगा, मेरे नेक्स्ट ट्यूटोरियल जो सीरीज स्टार्ट होगी उसमें जावास्क्रिप्ट के बारे में बताऊंगा मैं आपको, तो उसमें आप समझेंगे कि डिव आईडी का मेन मकसद क्या होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो डिव दिए गए उसमें कई सारे मैंने सेक्शन क्रिएट किए। अब अगर मैं चाहूँ होम पे, तो मैं क्या करूँगा, एक HREF ले लूँगा। आपने अगर पावर पॉइंट की सीरीज देखी होगी मेरी वाली, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि HREF होता क्या है, या आपने खुद पढ़ा भी होगा। HREF होता है हाइपर रिलेटेड एफरेंट फ्रेम। तो यहाँ पे जब आप जो लिंक चाहते हैं कि इस पर क्लिक करने से ये खुले, जैसा कि आपने देखा होगा वेबसाइट्स पर, या आप जब नेट पे अपनी वीडियोस को देखते हैं, तो अगर आप वीडियो पे क्लिक करते हैं तो वीडियो खुलती है, वीडियो के नीचे का चैनल पे क्लिक करते हैं तो चैनल खुलता है, वैसे ही जब आप वीडियो पे इस एक पर्टिकुलर चीज़ पे क्लिक करें तो वो कोई और चीज़ खुल जाए, उसको कैसे क्रिएट करें ये भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो उसी के लिए हम लोग को HREF चाहिए होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे एक HREF क्रिएट करता हूँ, एक मैंने HREF अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे इसको ए को बंद भी कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरा एक HREF क्रिएट हो गया। अब अगर मैं इस HREF को इन सब पर लागू कर देता हूँ, तो आप देखिएगा क्या अंतर आता है। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, ये एक बहुत अच्छा फॉर्मेट है इसको लागू करने का। मैं ये ट्राई करता हूँ, आप भी शॉर्ट कमांड फंक्शंस जानिए जिससे जल्दी आपका काम होगा। तो अब मैंने HREF ले लिया। अब अगर मैं HREF पे डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल कोई और पेज खोले, जैसे कि मेरा style.css नाम की एक चीज़ है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि इस पर क्लिक करने से मेरा style.css खुले, तो मैं डाल दूँगा .style.css, ठीक है। मैंने यहाँ पे डाल दिया कि ये style.css खुले, और जब आप कोई चीज़ आप नहीं डालते हैं तो आप ये छोड़ सकते हैं। तो आप ऐसे इस पर हैश लगा दिए जिससे लोगों को पता चल जाए कि इस फाइल पर कुछ नहीं है। तो मैंने यहाँ पे .style.css कर दिया। अब अगर मैं इसको सेव करके रीट्राई करूँगा, तो आप देख सकते हैं सब पर एक होवरिंग इफेक्ट आ गया, सब पर लिंक जा रही है। आप जैसा कि देख सकते हैं, अगर मैं इसको जूम इन करूं थोड़ा सा, यहाँ वाले पार्ट पे जब मैं क्लिक करता हूँ, तो जो आपको नीचे वाला फाइल दिख रहा है file.slash/g.html, एकदम लास्ट पेज पे जहाँ पे मेरा
विंडो का आइकन बना है उसी के जस्ट ऊपर देख सकते हैं स्लैश बना है, जो मैंने स्लैश बनाया था यहाँ पे भी स्लैश, पर यहाँ पे देखेंगे तो स्टाइल डॉट सी एस एस आता है। अगर अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरी स्टाइल डॉट सी एस एस खुल गई ना। तो यही होता है इस होवरिंग का इफेक्ट का। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसी वाले पेज के अंदर जो मैंने कंटेंट डाला है वही खुल जाए वापस, तो अब इसको कैसे क्रिएट करें ये भी एक चीज़ है। अब अगर आप देखें चाहें कि ये वाला कंटेंट इसी पेज के अंदर खुल जाए अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, तो अगर मैं डायरेक्टली अगर इसको डाल दूंगा तो ये नहीं खुलेगा। या तो ये तरीका है कि मैं वापस डालूं इसी index.html को उसी जगह पे, या फिर ये होता है कि div में जाके मैं वापस डाल दूं। तो अगर मैं इस div क्लास के आगे जो मेरी है अगर मैं इसको एक id दे देता हूं, अब आप जानेंगे id का काम क्या है। मैं इसको id देता हूं कंटेनर। अगर मैंने इसको एक id दे दी जो है मेरी कंटेनर नाम से, अब अगर मैं इसी में जाके साइन इन के अंदर ये पेस्ट कर दूं, याद रखिएगा जब आप वेबसाइट आप अपने पेज ही के अंदर का कंटेंट वापस डाल रहे हैं तो आपको स्लैश लगाना कंपलसरी है, ये हैश सॉरी। और अगर आप कहीं बाहर का कंटेंट है जो आपके इस HTML पेज में नहीं है तो आपको फिर ऐसा स्लैश करके लगाना पड़ेगा। पर अगर आपका पेज उसी कंटेंट के अंदर उसी पेज के अंदर है जिस पे आप ये लिंक देना चाहते हैं तो आपको अपना ये ऐसा लगाना पड़ेगा। अब अगर हम लोग इसको सेव कर दें और फिर अगर ट्राई करें, तो अगर अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये स्लैश कंटेनर लिख के आ गया ना, क्योंकि ये पेज वही वाला पेज था इसलिए ये इस तरीके से दिखने लगा। तो ऐसे आप क्रिएट कर सकते हैं जो आप आगे करने के लिए चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।